सबसे पहले मैं आप सब मीडिया कर्मी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए इसकी कवरेज के लिए। हमारा ये जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फर्स्ट एवर जम्मू फर्स्ट एडिशन है जो होने जा रहा है, तो हमारे साथ हमारे जो कोर टीम से और जूरी में भी है ललित पारू जी, बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर ललित पारू जी हैं। उसके साथ साथ हमारे जूरी में मुश्ताक आपजी हैं जो कि फिल्म पर्सनैलिटी भी हैं, हमारे स्टेट से सर्गी नाटक अवार्ड लिए हैं। हमारे साथ नीरज बढ़िया जी हैं जो जूरी में भी हैं और एंटर हैं हमारे स्टेट से। हमारे साथ हमारे जो इस फेस्टिवल के हमारे एडवाइजर हैं किरण माधव जी, ये हमारे साथ हैं। सो मैं सिर्फ आपको पहले ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये दो दिन का जो हमारा फिल्म फेस्टिवल जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसके बारे में सिर्फ ये है कि हमने जो इसका पूरा शेड्यूल आपके साथ रखा हुआ है, वो शेड्यूल जो है उसमें इस शेड्यूल में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट आप सब के लिए है क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। सो ये शेड्यूल में मैंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन सी इसकी टाइमिंग, जैसे फर्स्ट एवर रेड कार्पेट इसमें होने जा रहा है जिसमें हमारे स्टेट के जो आर्टिस्ट हैं जिन्हें फिल्मों में भी काम किया है, दूरदर्शन में सीरियल्स बहुत सारे किए हैं, उनको हम पहली बार जम्मू में रेड कार्पेट फील दे रहे हैं। वो रेड कार्पेट ऐसे गेस्ट हमारे इधर आएंगे और साथ साथ में बॉलीवुड से हमारे ललित पारू जी, कश्मीरा शाह, अयूब खान, अयाज खान, नरकपिल भट्टू प्रोड्यूसर, वो लोग आ रहे हैं। सो मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आते हुए। जम्मू एंड कश्मीर मेरा होम टाउन है, मैं कश्मीर का बासिंदा रहा हूँ। अपने बारे में दो शब्द बताते हुए ये कहना चाहूँगा कि प्लस टू करने के बाद ही मैं कश्मीर से दिल्ली के लिए निकला था और उसके बाद मुंबई गया, और कश्मीर से हमारा कनेक्शन आप सब जानते हैं कि टूट गया था, हालात जैसे भी रहे, लेकिन पिछले कई सालों से वापस कश्मीर आना जाना शुरू हुआ है और अभी ये मौका यहाँ मिला है जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे पार्टिसिपेट करने का एज ए जूरी मेंबर। तो मैं इसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि मुझे अपने स्टेट में आने का एक मौका मिला और यहाँ पहली बार इस तरह का फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उम्मीद थी कि रोहित भट्ट और राकेश भट्ट दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, एक तरह से जो सिलेक्टेड 37 फिल्म्स थी उन फिल्म्स को देखा और मैं हैरान हुआ कि ईरान, यूके, यूएस और इंडिया की बेस्ट फिल्म्स यहाँ पर आई हैं। वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि एक सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। दूसरे देशों की फिल्में देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ के जो रिचुअल्स हैं या वहाँ के जो हालात हैं, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल कंडीशन, उनको देख के भी समझ में आता है कि वहाँ के हालात में वहाँ के आर्टिस्ट किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा